बेटे का इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है, ठीक है। पिछले 7 अप्रैल की जी है फोटो हुई हुई है, सारे डाकूमेंट उन्होंने अप्रूव करके करते। उस तो बाद कहते मैं इतने इस दफ्तर के पिछले हफ्ते सारा हफ्ता आया तो मैडम मैनू नहीं मिले। पी ए जो इतने दफ्तर का पी ए ना उन्हें मैंने कहा भाई सवेरे घंटा आते हैं वह तो उस तो बाद वो चले जाते हैं। मैं इस करके अब सवेरे 7:30 बजे पहुँच गया से इतने। कद कहते हैं कि ये थोड़ा आ गया होना तो मैसेज नहीं आया होना। इतों मैं हूँ 2 बार अप्रूव कराया, सवेरे भी पता कराया तो कोई अप्रूवल नहीं हुई अजे तक। 8:31 हो गए ने, मैं 1 घंटे तो ज़्यादा हो गया बैठे नूं, हजे तक कोई नहीं आया इतने। सिर्फ पी एन मैं कह दिता भी हजे तक मैडम आए नहीं, वो फील्ड च ने। मैं बैठा हुआ, मैं तो बैठूँगा 2 बजे तक। 65 साल की उम्र आ, मैं सवेरे हूँ ट्रैफिक के आया, हर बंदे काली आ, तो जे मैनू कल कुछ हो गया तो मेरा कोई कौन जिम्मेवार आ। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। मैं RTO दफ्तर के आया, मेरे बेटे का इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है, ठीक है। पिछले 7 अप्रैल की जी है फोटो हुई हुई है, सारे डाकूमेंट उन्होंने अप्रूव करके करते। उस तो बाद कहते मैं इतने इस दफ्तर के पिछले हफ्ते सारा हफ्ता आया तो मैडम मैनू नहीं मिले। तो इनू पी ए जो इतने दफ्तर का पी ए ना उन्हें मैंने कहा भाई सवेरे घंटा आते हैं वह तो उस तो बाद वो चले जाते हैं। मैं इस करके अब सवेरे 7:30 बजे पहुँच गया से इतने, ठीक है। पहला मैं ये कहते रहे उत्थे ट्रैकिंग से जाके तुम नोट कराओ, उतों पता लगेगा। कदे कदे कहते हैं कि ये थोड़ा आ गया होना तो मैसेज नहीं आया होना। इतों मैं हूँ 2 बार अप्रूव कराया, सवेरे भी पता कराया तो कोई अप्रूवल नहीं हुई अजे तक। जे हूँ 25 दिन तो बाद कोई अप्रूवल ही नहीं होएगी तो ऑनलाइन कराने का की फायदा। सर अपनी घड़ी से टाइम देख के दसो कि टाइम हो चुका है, तो मैडम जी कितने बजे तक नहीं पहुंची, कोई कैमरे से दिखा दो कितना टाइम हो चुका है। 8:31 हो गए ने, मैं 1 घंटे तो ज़्यादा हो गया बैठे नूं, हजे तक कोई नहीं आया इतने। सिर्फ पी एन मैं कह दिता भी हजे तक मैडम आए नहीं, वो फील्ड च ने। मैं बैठा हुआ, मैं तो बैठूंगा 2 बजे तक, मैं तो 2 बजे तक बैठा, जे 2 बजे तक टाइम तो 2 बजे तक बैठा। इस करके 7:30 बजे मैं पागल थोड़ा सी सवेरे आके बह गया थे। उम्र 65 साल की उम्र आ, मैं सवेरे हूँ ट्रैफिक के आया, हर बंदे काली आ, तो जे मैनू कल कुछ हो गया तो मेरा कोई कौन जिम्मेवार आ। बेटे का काम रुका हुआ, बेटे का काम तो मैनू तो टिकट पै जानी 4 लाख के, क्योंकि मैं एडवांस करानी है टिकटों की। पंजाब के मुख्यमंत्री खुद सर अपने दफ्तर आ गए पर मुलाजिम अफसर नहीं आए। चलो जो जिहड़ा बंदा जिम्मेवारी समझदा वो दफ्तर आ गया, जिहड़ा बंदा जिम्मेवारी नहीं समझदा वह नहीं आया। मेरा तो यही कहना है, असीं भी तो मैं सारी उम्र जॉब की है, 40 साल की मेरी भी सर्विस की है, असी तो कदे नहीं दफ्तर तो लेट होए। अपील की करनी चाहते हो सरकार? अधिकारी तो टाइम पर आना चाहिए, जे अधिकारी टाइम पर नहीं आऊगा तो जो नीचे वाले वो की करेंगे। सरकार के आदेश जिहड़े ने अज तो तकरीबन 15 दिन पहला आ गए थे, तो कि दफ्तर का टाइम जिहड़ा 2 मई तो 15 जुलाई तक 7:30 बजे सवेरे तो लैके 2 बजे दोपहर तक होएगा। तो कल माननीय CM साहब का ट्वीट भी आया सीगा कि वो आप 7:30 बजे पहुँचणगे। दैन ऑबवियसली जब स्टेट के जब सूबे के CM साहब पहुँच रहे हैं तो साडा भी फर्ज बनता है, तो सारे अधिकारीगण जिहड़े ने वो भी इंक्लूडिंग स्टाफ वो भी 7:30 ही आया। तो हाँ जी, इस अलावा सर अधिकारियों को किस तरीके का संदेश दिता गया, क्योंकि कुछ 80% तक अधिकारी जिहड़े आ समय सिर पहुँच गए, कुछ 5-10 मिनट का समय नहीं। संदेश तो बड़ा क्लीयर सीगा कि 7:30 का मतलब 7:30 ही है जी, ना अगे ना पिछे, एंड 2 बजे तो 2 बजे तक। सो मेरी एक बेनती ना आप जी के चैनल के राही एक लोगों आम लोगों जरूर है कि जिमें कि आप हूँ तक पहला टाइम हों 9 to 5 का, सो क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है, सो 7:30 बजे तो 2 बजे तक का है। सो अपने टाइम अपने काम करवाने लिए तुम जे नवे टाइम के हिसाब ना आए हो 15 जुलाई तक। हाँ इनफैक्ट मेरी ना गल हो रही थी हमने जे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने हरप्रीत सिंह जी जे लुधियाने के ने सेवा केंद्र से, तो मैं दस रहे थे कि उन्होंने हैड ऑफिस तो एक मैसेज आया है कि फिलहाल 9 to 5 बजे तक का टाइम है। मैं एक बार बस एक कन्फर्मेशन उन्होंने तो लै रहा, मैं उन्होंने कहा कि मैं मैसेज की कॉपी भेजो, सो दैट एक बार मैं डी साहब के नाल गल करके ये बारे आप विचार कर लीए, बिकॉज स्टेट लैवल पर होएगा, स्टेट अक्रॉस द स्टेट ही इदा ही है कि 9 to 5 है,
बट सरकारी दफ्तर जो पंजाब सरकार के ने बोर्ड कॉरपोरेशन जिन्या भी ने आई वुड एग्जॉर्ट यू एवरीबडी इज हेयर जी आई वुड एग्जॉर्ट यू कि इसनों एक सेंसेशनलिस्ट या नैगेटिव ना दिता जाए ऑल द स्टाफ इज हेयर दे आर हेयर ऑन टाइम असी पंजाब सरकार के इस बहुत वधिया उपराले दे नाल खड़े हैगे ते इनू सक्सैसफुल करन वास्ते असी सारे रल मिल के करांगे असी समझते हैं कि लोगों वास्ते एक बहुत वधिया उपराला है कि वह टाइमली अपने कामों नू जाण तो पहला पहला दफ्तर विखे आके अपने जिहड़े उन्होंने मसले है वो सॉल्व करवा सकते हैं एंड एनवायरमेंट पक्षों भी पीक लोड आवर्स दे विच जिहड़ी मैक्सिमम इलैक्ट्रिसिटी यूज होंदी है उन्होंने असी अवॉइड कर सकते हैं फ्रॉम परसनल हैल्थ स्टैंडपॉइंट ऑलसो साडे देश की तो सूबे की परंपरा रही है कि जल्दी उठीए तो साडा माइंड भी फ्रैश हुंदा है प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होंदी है तो वी आर एबल टू परफॉर्म बैटर इन सारिया चीज़ों को देखते हुए असी सारे नाल लगे लोगों को यही अपील है दैट ये उपराला लोगों वास्ते किया गया है तो इस उपराले तो प्रेरणा लेंदे हुए सीख लेंदे हुए वो भी अपनी निजी जिंदगी दे विच सवेरे जल्दी उठन सीएम योगशालाज भी लगिया हुई है शहरी वेरियस एरियाज दे विच उत्थे जा के अपने हेल्थ वल भी ध्यान देन तो जल्दी उठ के अपने काम काज करके एंड दे शुड लिव अ हैल्दी लाइफ नाल दे नाल वो भी जिहड़ी पंजाब सरकार ने लीड लई है एनवायरमेंट पक्षों एनर्जी कॉन्जरवेशन की उसनों भी अपने दिन के अपनाउन ते अपने भी लाइट पखे जिन्ने घट हो सकते हैं उन्हें घट वरतन।